अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एंड लिविंग जनरल नॉलेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सईद। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। एडवर्ड सईद वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन कोलम्बिया यूनिवर्सिटी। ही हैज़ पब्लिश सिग्निफिकेंट क्रिटिकल वर्क ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल्सो ऑन द मिडल ईस्ट, अमंग विच आर द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एंड कवरिंग इस्लाम। He combines deep sensitivity to injustice wrought upon the Palestinians and Arabs generally with broad knowledge of Western intellectual history. मतलब ये कि जो एडवर्ड सईद थे वो प्रोफेसर थे इंग्लिश के कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में। उनका बहुत सा काम है इंग्लिश लिटरेचर में और मिडल ईस्ट के ऊपर, जिसके अंदर उनका काम कुछ इस पर भी है कि फ़लस्तीन पर जो भी मुजालिम ढाए गए इसके ऊपर भी उनका काम है। लेकिन ये सारा काम उन्होंने तब किया जब उन्हें वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का अच्छी तरह से इलम हो चुका था। उन्होंने एक बुक लिखी ओरिएंटलिज्म पर, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट बुक है। सो व्यूअर्स, ओरिएंट का लिटरल मीन होता है ईस्ट। एडवर्ड सईद हैज़ यूज्ड वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड ओरिएंट। ओरिएंट के लिए उन्होंने बहुत से डेरिवेटिव्स यूज किए। वो डायरेक्शन जिससे सनराइज होता है, सूरज निकलता है। जियोपॉलिटिकली ओरिएंट सिग्निफाइज द मिडल ईस्ट, एशिया एंड द फार ईस्ट टेरिटरीज। जियोपॉलिटिकली ओरिएंट जो है वो इशारा करता है मिडल ईस्ट की तरफ, एशिया की तरफ और फार ईस्ट की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं कि ओरिएंटल क्या होता है। ओरिएंटल एक ऐसा नाउन है जिसका मीनिंग ये है, एक ऐसा इंडिविजुअल या एक ऐसा इंसान जो ओरिएंट से बिलोंग करता हो, जो ईस्ट में रहता हो। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ओरिएंटल ओरिएंटलिस्ट क्या है। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने या तो स्टडी किया हो या फिर लिखा हो ओरिएंटलिज्म के बारे में। ओरिएंटलिज्म की जो टर्म है वो इशारा करती है वेस्टर्न डॉक्ट्राइन की तरफ, जो कि लिखी गई है ओरिएंट के लिए, यानी ईस्ट के लिए। अच्छा, ये ओरिएंटलिज्म जो थीरी है ना, इसके अंदर एक्चुअली जो एडवर्ड सईद है वो बताना ये चाहता है कि जो वेस्ट है ना, उसने ईस्ट की इमेज खराब की हुई है। मतलब वो ईस्ट को बताता है कि दे आर टेररिस्ट, हालांकि ईस्ट की इमेज ये नहीं है। वेस्ट कहता है कि हम इन्हें मिरर दिखाते हैं, हम इन्हें आईना दिखाते हैं, जबकि ये एक मैनिपुलेटेड इमेज जो है हमारी वो दुनिया के सामने शो करते हैं। जो उसने बुक लिखी थी ओरिएंटलिज्म, उसके एक्चुअली चार मेन पार्ट्स थे। एक तो इंट्रोडक्शन का था और उसके बाद तीन चैप्टर्स थे उसके अंदर। जो उसका फर्स्ट चैप्टर था वो था द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, और फिर जो सेकंड चैप्टर है वो था ओरिएंटल स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर। जो चैप्टर थ्री है वो था ओरिएंटलिज्म नाउ। ये उसकी तीन चैप्टर्स पे मुश्तमिल बुक थी, जिसके अंदर वो बयान करता है कि किस तरह वेस्ट की जो वेस्ट ने जो ईस्ट की इमेज है वो ख़राब की हुई है दुनिया के अंदर। सो इसी के अबाउट उसने ये ओरिएंटलिज्म थीरी लिखी थी। इस जो बुक का सेंट्रल पॉइंट था ना, वो ये था, ओरिएंटलिज्म इज द मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिटवीन द एक्ट ऑफ राइटिंग एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, लैंग्वेज एंड पावर। ही अटेम्प्ट टू शो हाउ वेस्टर्न जर्नलिस्ट, फिक्शन राइटर एंड स्कॉलर हैव टू बिल्ड अप अ प्रिवेलेंट एंड होस्टाइल इमेज ऑफ द ईस्टर्न कल्चर एज इंफीरियर एंड डीजेनरेट। मतलब वो बताना चाहते हैं कि किस तरह जो है उनके जर्नलिस्ट, वेस्ट के जो जर्नलिस्ट हैं या फिर फिक्शन राइटर हैं या जो स्कॉलर्स हैं, वो किस तरह ईस्ट की, ईस्ट के कल्चर की इमेज को प्रेजेंट करते हैं कि इनका तो कल्चर ऐसा है, ये तो दहशतगर्द हैं, किस तरह वो हमारी इमेज को ख़राब करता है, स्पॉइल करता है, ये इस बारे में है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी एक छोटी सी वीडियो ने आपके ओरिएंटलिज्म के कॉन्सेप्ट और एडवर्ड सईद की बुक ओरिएंटलिज्म के बारे में आपको क्लियर कर दिया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल लाइफ एंड लिविंग जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।